दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और केएल राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। 205 पर 3 विकेट गिर गए थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने घुटने ठेक ही दिए थे। मैच भारतीय क्रिकेट टीम हारने की कगार पर आ गई थी कि तब विराट कोहली और केएल राहुल ने ऐसा चमत्कार किया ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने दोस्तों आज मैच को पलट कर भारत को जिताने की राह पर पहला कदम रखा और गाड़ी फिर से ट्रैक पर लेके आए। इनकी अद्भुत बल्लेबाजी और पार्टनरशिप का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर आजम में एक बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके आपको बताना होगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 का अपना पहला मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलती नजर आई, और अगर इसे मुकाबले से ज्यादा एक रोलर कोस्टर राइड कहा जाए ना, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए, वैसे तो ये हाई स्कोरिंग पिच है नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम 200 रन पर खदेड़ कर रख देंगे, किसी ने सोचा नहीं था। भारतीय गेंदबाजी आज इतनी ज्यादा उम्दा निकली ना कि केवल दो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के 40 के आंकड़े को छू पाए थे, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, बाकी तो बस देखते रह गए। और भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरीके से रूल किया इस मुकाबले को। जड्डू के नाम 3 विकेट तो कुलदीप यादव के पास 2 विकेट थे, और हर एक गेंदबाज की झोली में एक एक विकेट आया। मतलब कि दोस्तों, हमने ऑल आउट कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को 199 पर, टारगेट 200 रन का था। जाहिर सी बात है, टारगेट कुछ ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन इसे चेज करते वक्त जैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत देखी ना, तो ये 200 नहीं बल्कि 400 लग रहा था। क्योंकि दोस्तों, अभी 2-3 ओवर हुए नहीं थे कि हमारे 3 विकेट गिर चुके थे। जी हाँ, शून्य पर आते ही सबसे पहले दोस्तों ईशान किशन आउट हो गए। इसके बाद 6 गेंदे खेलने के बाद कप्तान साहब रोहित शर्मा हेजलवुड का शिकार बन गए, और फिर दोस्तों श्रेयस अय्यर भी उसी ओवर में कैच आउट हो गए शून्य पर। मतलब कि 3 विकेट शून्य पर गिर चुके थे, रन हमारे 2 थे और विकेट 3। अब ऐसे वक्त पर पूरी टीम प्रेशर में आ जाती है, लेकिन ऐसे ही प्रेशर को जो झेल जाए उसे खिलाड़ी से भी बढ़कर माना जाता है। एक ऐसा योद्धा जो टीम को हर एक परिस्थिति में जिताने का दम रखता हो, और दोस्तों वो विराट कोहली हैं, इस बात में कोई शक नहीं। और आज उन्होंने फिर से अपनी काबिलियत को साबित भी करके दिखाया। देखिए, ऐसी परिस्थिति में से निकलना है ना, तो वनडे की जगह टेस्ट पारी खेलनी पड़ती है, और इसमें कोई शर्म भी नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने एक अच्छी सटीक पारी खेली। 52 गेंदों में 3 चौके जड़कर विराट कोहली 31 रन पर पहुंच गए, तो वहीं केएल राहुल ने भी आज शॉट लगाने से ज्यादा ना विकेट को बचाने पर ज्यादा तवज्जो दिया, और इसका फायदा भी भारत को मिला। दोस्तों, केएल राहुल ने भी 34 गेंदों में 2 चौके लगाकर फिर 18 रन बनाए, और भले ही हम 18 ओवर के अंदर 52-55 के स्कोर पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर रन मायने नहीं रखते थे, विकेट बचाना रखता था। क्योंकि अब भी जीतने के लिए तो हमें लगभग 35 ओवर में 150 रन ही बनाने थे। लेकिन दोस्तों, मानना पड़ेगा विराट कोहली और केएल राहुल को, इनकी पारी ने ना सिर्फ भारत की इज्जत को बचाया है बल्कि जीतने की एक उम्मीद भी हमें दी है। और दोस्तों, इसके बाद बिल्कुल वही हुआ जिसकी हमें अपेक्षा थी। आपको बता दें दोस्तों कि आगे चलकर विराट और केएल राहुल ने पारी को और अच्छे से संभालते हुए भारत को 100 के करीब पहुंचाया, 100 के पार भी, और लक्ष्य उतना ही छोटा भी होता चला गया। इस बीच दोस्तों, विराट और केएल राहुल दोनों ने अपने अपने 50 पूरा किए और चल दिए शतक की तरफ। भाई, मानना पड़ेगा इस पार्टनरशिप को, पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर में इन्होंने ही जिताया, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैच जिताने का काम भी इन्होंने ही किया है। लेकिन दोस्तों, विराट और केएल राहुल की इसी शानदार पार्टनरशिप को आप 10 में से कितने नंबर देने वाले हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। ऐसी ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।